आइए इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एमीन के बारे में। क्या होता है एमीन? तो अमोनिया आप जानते होंगे, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। अब ए अमोनिया है, अमोनिया जब एक हाइड्रोजन को माइनस कर देगी यानी एक हाइड्रोजन अपने में से हटा देगी तो बचेगा NH2। और देखो नाइट्रोजन जो होता है उसके होते हैं तीन वैलेंसी, मतलब तो तीन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो दो हाइड्रोजन बचेंगे तो NH2 हो जाएगा। तो एक वैलेंसी के साथ कौन जुड़ेगा? फिर R सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। R होता है एल्किल, सब बच्चे जानते हैं, जैसे CH3 है, मतलब एथिल है, मिथिल है, प्रोपिल है, ये सब। तो ये R NH2 जो आप देख रहे हैं इसको ही बोला जाता है एमीन। तो ये है 1 डिग्री का एमीन, या इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक एमीन। तो पहले थोड़ा ध्यान देंगे कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास में तीन संयोजकताएँ होती हैं, तीन। अब ये तीन कैसे होती हैं? देखो 7 नंबर पर नाइट्रोजन मिलता है, 7 × 14। तो 7 इलेक्ट्रॉनों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, अगली कक्षा में 5, तब हो जाएंगे 7। तो अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे अष्टक पूरा करने के लिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए यहाँ पे 3 जो है संयोजकता इसकी रहती है माइनस में, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करने की आपका प्रयास करेगा, इसलिए यहाँ पे 3 संयोजकता हैं। तो हाइड्रोजन भी 3 लगे हैं तो ये कवर्ड है, इसलिए अमोनिया है। अब अमोनिया क्या करेगा? जब एक हाइड्रोजन अपने में से निकाल देगा और उस हाइड्रोजन की जगह पर एल्किल समूह को जोड़ लेगा। एल्किल समूह का मतलब कोई भी, जैसे सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये है मेथेन से मेथिल बना है, ये एथेन से एथिल, इसी को R कहते हैं। तो देखा अमोनिया जब एक R को जोड़ लेगी और H को हटा देगी तो इसको बोला जाएगा 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन। अब यहाँ पे RNH2 जो है फिर जब एक और हाइड्रोजन को मतलब त्याग कर देगा और उसकी जगह एक और एल्किल समूह को जोड़ लेगा, देखा यहाँ पे 3H थे, 1H चला गया तो 2H बचे, 1R जुड़ गया, यहाँ पे एक R मतलब 1H और हट गया तो यहाँ पे 2R जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री का एमीन या बोलते हैं द्वितीयक एमीन। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे फिर जब ये द्वितीयक एमीन में से एक बार फिर हम हाइड्रोजन हटाते हैं, ये जो बचा है NH में से H, तो ये फिर हट जाएगा। तो तीनों वैलेंसी के साथ जब एल्किल समूह जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री का एमीन यानी तृतीयक एमीन। तो आप समझ गए होंगे, 1 डिग्री का एमीन यानी सिंगल बॉन्ड NH2, 2 डिग्री का एमीन यानी 2 वैलेंसी फ्री NH, 3 डिग्री का एमीन माने 3 वैलेंसी फ्री यानी 3 डिग्री एमीन। और यहाँ एक एल्किल समूह जुड़ेगा, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो वही बात हो गई शॉर्ट फॉर्म में, संकरण व ज्यामिति, हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे इसका जो है ज्यामिति आकार देखेंगे। तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया में क्या होता है NH3 और 2 जो है ये दिखाई दे रहे हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब देखो इसके पास टोटल तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 3 के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और 2 जो इसके पास रह गए वो हो गए इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसमें देखेंगे कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें केवल ये सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर जो है वो कितना है 3, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने बॉन्ड पेयर कहे जाते हैं, और लोन पेयर कितने कहे जाते हैं, जिस जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर माने जोड़ा। और यहाँ पे कोण देखेंगे इनके इनके बीच में बन रहा है कितना, तो 107 अंश का कोण बन रहा है। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऐड करेंगे तो जितना आएगा, जैसे 4 आ गया जोड़ने पर, 3 × 4, तो उससे कम करके यहाँ पे संकरण लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी sp3। और यहाँ 3 आता तो sp2 संकरण होता, 2 आता तो sp संकरण होता, यहाँ पे 4 आया है तो ये कम sp3 संकरण, इस तरह याद रखेंगे। और इसकी ज्यामिति संरचना होती है पिरामिडी यानी पिरामिड के आकार की, यह है बात अमोनिया की। अब यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन है और इसके साथ में मतलब हाइड्रोजन की जगह पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में जो है कितना कोण है, 108 अंश का कोण है, और इसमें भी sp3 संकरण होगा क्योंकि इसमें भी 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 मतलब 1 वो लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो ये हो जाएगा 4 जैसे कि इसमें हुआ था, तो sp3 संकरण। आइए आगे चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं एमीन का वर्गीकरण। एमीन जो है
वो एलिफैटिक एमीन है और एरोमेटिक एमीन है। एलिफैटिक एमीन, जब एमीन एल्किल समूह से बंधा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक एमीन। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, एक लगा था एल्किल समूह तो 1 डिग्री का, 2 लगे थे तो 2 डिग्री का, 3 लगे थे तो 3 डिग्री का। आप पढ़ेंगे एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, इसको 2 पार्टों में बांटा गया, एरिलिक एमीन और एरिल्किल एमीन। एरिलिक एमीन मतलब जब एमीन समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, जब एमीन समूह यानी NH2 किससे जुड़ा होता है, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। बेंजीन वलय क्या होती है, तो ये है बेंजीन रिंग, आप इसको अच्छे जानते हैं। और जब एरिलिक एमीन, जब एमीन समूह बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, यानी बेंजीन वलय से ना जुड़ा हो, इसकी पार्श्व श्रृंखला से, यानी कोई श्रृंखला गई हो और उससे ये जुड़ा हुआ, डायरेक्ट बेंजीन वलय से नहीं जुड़ा हो। तो आइए देखते हैं एरोमेटिक एमीन के बारे में। ये देखते हैं एरोमेटिक एमीन और इसमें ये देखते हैं एरिलिक। तो देखें जैसे कि पहले में देखो, बेंजीन है, बेंजीन से सीधे जुड़ा हुआ है। तो जब बेंजीन से सीधे जुड़ेगा किसी जगह से, किसी भी कोने पर से NH2 समूह, तो उसको बोलते हैं एरिलिक एमीन, और ये एरोमेटिक एमीन के अंतर्गत ही आता है। इसका जो है बेंजीन और एमीन है, इसका नाम बेंजेनामीन हो जाएगा। यहाँ से इसमें क्या है, देखें यहाँ पे भी देखो, बेंजीन है, बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है, और इधर से भी बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री का जो है हो गया, मतलब ये 1 डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री एमीन। यहाँ पे ये 3 डिग्री का एमीन है, ये 1 डिग्री का एमीन, यानी इसमें क्या है, एक बेंजीन लगी इसमें 2 डिग्री का एमीन है, ये इसमें 2 बेंजीन लगी, इसमें 3 बेंजीन जुड़ी हुई है, ये 3 डिग्री का एमीन है। फिर एरिलिक एमीन देखते हैं, ये वाला, जब एमीन समूह बेंजीन वलय की पार श्रृंखला से जुड़ा हो। तो देखिए ये हो गई बेंजीन, अब बेंजीन से जुड़ा है डायरेक्ट कौन, एमीन नहीं जुड़ा, पहले जुड़ा है मिथिल समूह CH2, और CH2 के बाद में जुड़ा है NH2। यहाँ पे देखिए ये, ठीक, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा। अगर ये CH2 यहाँ ना होता, डायरेक्ट NH2 जुड़ा होता तो ये एरिलिक में आता, और ये डायरेक्ट ना जुड़ा होकर पार श्रृंखला से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम एरिलिकल एमीन है। आइए देखते हैं एमीन का नामकरण, एमीन प्राथमिक एमीन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो इसका सूत्र है RNH2, जैसा आप जान चुके हैं 1 डिग्री का एमीन, और इसका नाम रखेंगे R का एल्किल बोलते हैं सामान्य नाम, और ये एमीन एल्किल एमीन, और इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो एल्केन और एमीन, यानी एल्केना मीन एक में जुड़ेगा। तो जैसे CH3NH2 है तो एक कार्बन है तो मिथिल हो गया, एक एमीन तो मिथिल एमीन, और इसका जो है IUPAC नाम तो मेथेना अमीन, मैंने मेथेन एमीन। यहाँ पर भी CH3CH2CH2, तो एक दो दो कार्बन है, तो ये एथिल हो गया, एथिल एमीन साधारण नाम, IUPAC नाम एथेन हो जाएगा, एल्केन यानी एथेन, और इसका एमीन एथेना मीन। ऐसे इसमें देखेंगे CH3CH2CH2NH2, ये भी प्राथमिक एमीन है। इसमें गिनती करेंगे 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होते तो प्रोप आता है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोपिल, प्रोपिल है ये, और ये एमीन है, प्रोपिल एमीन या फिर नॉर्मल प्रोपिल एमीन, क्योंकि ऐसे कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये एमीन ग्रुप जो कार्बन आसपास केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया प्रोपेन और एमीन, प्रोपेनामीन। अब देखते हैं ये अभी NH2 ऐसे कार्बन से जुड़ा था जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, अब ये NH2 ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो आसपास 2 कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए ये है नॉर्मल प्रोपिल नहीं, आइसोप्रोपिल, ये हो गया आइसोप्रोपिल एमीन। 3 कार्बन है, और देखेंगे यहाँ पे 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपिल एमीन हो गया, आइसो इसलिए क्योंकि ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो आसपास 2 कार्बन से जुड़ा है। अब नामकरण कर दिया 1 2 3, तो 2 नंबर पे क्या लगा है, एमीन समूह जुड़ा हुआ है, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे पहले, प्रोपेन, और उसके बाद 2 नंबर पे एमीन, तो प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है फिर से एमीन समूह जो है जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे समूह से जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन समूह से जुड़ा है जो आसपास 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आइसो कह लीजिए या द्वितीयक कह लीजिए, सेकेंडरी जिसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे द्वितीयक, और इसके बाद बोलेंगे ब्यूटिल, ब्यूटिल माने 4 है इसलिए ब्यूटिल एमीन, द्वितीयक ब्यूटिल एमीन, या इसको आइसो ब्यूटिल एमीन बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे IUPAC नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और 2 नंबर पे एमीन जुड़ा है तो ब्यूटेन 2 एमीन। अब देखिए यहाँ पे
सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर भी सी एच थ्री, इधर एन एच टू, इधर सी एच थ्री। इस बार एन एच टू समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो आसपास तीन कार्बनों से जुड़ा है। ये कार्बन जो दिखाई दे रहा है ये आसपास एक दो तीन कार्बनों से जुड़ा, इसलिए इसको टर्सरी ब्यूटिलामीन कह सकते हैं या इसको हिंदी में तृतीयक ब्यूटिलामीन के नाम से जानते हैं। अब देखो नामकरण करेंगे तो वो नामकरण कैसे करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी श्रृंखला मिले, इसलिए इस वाले कार्बन को एक नंबर देंगे और ये बीच वाले को जो नंबर देंगे दो नंबर देंगे और नीचे वाले को तीन नंबर देंगे। तो ये तीन हो गए, तो दो देखो टोटल कार्बन कितने हैं तीन, लेकिन इससे पहले दो नंबर पे एक जुड़ा है एल्किल समूह, तो दो नंबर पे मिथिल हो गया, और पूरे कार्बन श्रृंखला में तीन कार्बन तो प्रोपेन हो गया, और दो नंबर पे एमीन भी जुड़ा है तो टू एमीन हो गया। और अब देखते हैं एरोमेटिक का, तो ये देखिए बेंजीन है, इसमें एन एच टू जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे ये अभी बेंजीन नहीं, क्योंकि इसके अंदर में गोल गोल नहीं बनाया है, तो ये केवल कार्बन श्रृंखला है, वो भी बंद वाली कार्बन श्रृंखला है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः हैं। पहली बात तो श्रृंखला बंद है, तो इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे चक्री यानी साइक्लो, साइक्लो और छः कार्बन है तो हेक्सिल और एक एमीन, साइक्लो हेक्सिल एमीन। अब देखो इसका नाम लिखेंगे तो साइक्लो हेक्सेन लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन और एक नंबर पर एमीन, तो वन एमीन लिखें या एक में ही मिला के लिख दें, साइक्लो हेक्सा एमीन, हेक्सेन एमीन। यहाँ देखेंगे एक नंबर पे देखो एमीन लगा है, इसलिए इसको एक दो तीन, एक दो तीन है यहाँ पे कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर देखेंगे टोटल कार्बन तो एक दो तीन चार पाँच कार्बन है, तो पेंटिल बोलेंगे, नियो पेंटिल एमीन। नियो क्यों नाम लिया? क्योंकि एक ऐसा कार्बन उपलब्ध है जहाँ पर इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये नियो बोला जाता है कार्बन, इसलिए ये नियो पेंटिल है एमीन हो गया। आई पी सी नाम लिखेंगे तो दो नंबर पे देखो ऊपर नीचे मेथिल लगा है, तो टू टू डाई मेथिल, और फिर कितने कार्बन हैं सीधी श्रृंखला में? तीन, तो प्रोपेन और एमीन, एक नंबर पे एमीन, तो एक हमने लिखा नहीं। इसे देखेंगे एन एच टू लिखा है और सी एच टू, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका नाम है एलिल एमीन। एलिल कब बोला जाता है? जब फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका पड़ोसी कार्बन फिर डबल बॉन्ड से आगे जुड़ा हो, तो इसको एलिल एमीन बोलते हैं, ये एलिल एमीन है। तो यहाँ पे आई पी सी नाम लिखेंगे तो एक दो तीन, तो प्रोप, तीन कार्बन है तो प्रोप, अब ये प्रोपेन तो कह नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है दो नंबर पे, तो प्रोप टू इन और उसके बाद एक नंबर पे एमीन, तो वन एमीन। यहाँ देखते हैं वाइनिल एमीन किसको बोलते हैं? एलिल एमीन तब कहा जाता है जब ये फंक्शनल ग्रुप सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ना जुड़ा हो, और जब सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको वाइनिल एमीन पढ़ेंगे। और इसका आई पी सी नाम देखो दो कार्बन है तो एथ होगा, एथ है यहाँ पे लिखा ई टी एच, एथ यहाँ एथ, और एक नंबर पे मतलब क्या है डबल बॉन्ड, तो वन इन, और वन नंबर पे भी एमीन है तो वन एमीन, तो एथेना एमीन भी बोल सकते हैं। तो इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम टू डिग्री एमीन के डिस्कस करेंगे और थ्री डिग्री एमीन के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।